अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर दिल्ली के दंगों को लेकर। जैसा कि नाज़रीन आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में किस तरह के दंगे हुए थे और कितने लोगों की जान चले गई थी। इन्हीं दंगों में एक नौजवान लड़का जिसका नाम शाहरुख बताया गया, शाहरुख जो है अपनी रिवॉल्वर निकालकर कई राउंड शूट करता है, फिर उसके बाद एक कांस्टेबल के छाते पर जाकर रिवॉल्वर टांग देता है और कांस्टेबल से कहता है कि तू पीछे हट जा। शाहरुख का रिकॉर्ड निकाला गया, शाहरुख को आखिरकार पुलिस ने यूपी में अरेस्ट कर लिया। शाहरुख का आखिर ऐसा कौन सा रिकॉर्ड छाना गया जिससे कि शाहरुख पकड़ा गया। यहां तक यह सुनने में आया है कि शाहरुख का अब तक कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, यानी इसके ऊपर अब तक कोई भी केसेस दर्ज नहीं हुए। एक व्हाइट कॉलर लड़का था अब तक शाहरुख। अब इसके बाद इसकी जिंदगी का क्या होगा हम नहीं बोल सकते। आखिरकार इसको बंदूक उठाने पर मजबूर किसने किया? क्या हमारे चंद नेताओं ने किया? भड़काऊ भाषण देने की वजह से मजलूम लोग मारे जा रहे थे? क्या यही शाहरुख देखकर अपने हाथ में रिवॉल्वर लेकर इस तरह से शूट करता गया? इसका जिम्मेदार कौन? शाहरुख का अब तक एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उसके वालिद का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड था। उसके वालिद का था, शाहरुख का तो नहीं था। बहरहाल दिल्ली का रहने वाला शाहरुख दर बदर भटक रहा था, पुलिस उसको ढूंढ रही थी। आखिरकार यूपी सिमहाल में जाकर शाहरुख को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। कल 4 तारीख है, कल के दिन शाहरुख को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब बात करते हैं कपिल मिश्रा की, जो कि हमारे देश के बहुत बड़े महान नेता हो गए कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा भड़काऊ भाषण देते हैं। कपिल मिश्रा भड़काऊ भाषण देने के बाद दिल्ली में दंगे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फिर उसके बाद कई लोगों की जान चले जाती है, कई लोगों के संसार उजड़ जाते हैं, कई लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है। कोई माँ अपने बेटे को खोती है, कोई बाप अपने बेटे को खोता है, भाई बहन को खोती है। बहरहाल हर तरफ जाकर देखिए दिल्ली में रोन धोन मचे हुआ है। हर कोई सीना ठोक ठोक के रो रहा है कि हमारा संसार उजड़ गया सिर्फ और सिर्फ इस तरह के भड़काऊ भाषण देने की वजह से। कपिल मिश्रा ना ही बीजेपी के एमएलए है, ना ही बीजेपी के एमपी है और ना ही कुछ। कपिल मिश्रा सिर्फ एक लीडर है बीजेपी पार्टी के। इससे पहले साबिका ये आम आदमी पार्टी के एमएलए थे। आम आदमी पार्टी के एमएलए रहने के बावजूद इनके ऊपर करप्शन जैसे चार्जेस लगाए गए, वहीं पर आम आदमी पार्टी के एमएलए ने मिलकर भरी असेंबली में बहुत बेदर्दी से बहुत बुरी तरीके से पीटे कपिल मिश्रा को, क्योंकि शायद हरकत कुछ ऐसी करे थे। हमारे पास वो वीडियो भी है, शायद आप लोग भी वो वीडियो देखे होंगे। कपिल मिश्रा कह रहे थे कहां का तरीका है, कैसे हमें मारते हैं, खुंदल खुंदल कर मार रहे थे कपिल मिश्रा को आम आदमी पार्टी के एमएलए। ऐसी वीडियो भी हमारे पास है। बहरहाल कपिल मिश्रा भड़काऊ भाषण देने के बाद दंगे हो जाते हैं, कई लोगों के संसार उजड़ जाते हैं, फिर उसके बाद कपिल मिश्रा को अब धमकी भरे कॉल आते हैं कि कपिल मिश्रा हम तुम्हें जान से मार देंगे, कपिल मिश्रा हम तुम्हें ऐसा कर देंगे, कपिल मिश्रा हम तुम्हें वैसा कर देंगे। बोलना बहुत आसान है, लेकिन शेर का जिगर रख के मर्दानगी जिंदगी जीना बहुत बड़ी बात है। अब हुआ क्या, कपिल मिश्रा डर गए, डर कर जाकर सीधा होम मिनिस्ट्री से अपील करने लगे कि मुझे सिक्योरिटी दीजिए, क्योंकि मेरी जान को खतरा है, मुझे इस किस्म के कॉल्स आ रहे हैं। फिर वहीं हमारे हरदिल अजीज अमित शाह जी, जो कि सेंट्रल होम मिनिस्टर है और दिल्ली की पुलिस भी उनके ही अंडर में आती है, अमित शाह जी ने फौरन अपने बहादुर लीडर कपिल मिश्रा के लिए वाई प्लस सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर दिया। यानी एक और खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा आवाम को। जो सिक्योरिटी मिलती है ये अपनी जेब से पैसे नहीं देते हैं, हम जैसे आप जैसे गरीब लोग को जो है टैक्स के जरिए पैसे देना पड़ता है, वो पैसे इन जैसे भड़काऊ भाषण देने वाले लीडर्स के पीछे खर्चा करती है हमारी देश की हुकूमत। अब बात करते हैं बीजेपी के एक्स एमएलए और रेपिस्ट जिसका नाम है कुलदीप सैगर। कुलदीप सैगर बहुत बड़े माने हुए एमएलए थे, बहुत बड़ा नाम था हिंदुस्तान में इनका। इनकी काबिलियत भी देखिए, इनके कारनामे भी देखिए। इन्होंने एक लड़की का रेप कर दिया था। रेप कर देने के बाद लड़की जाके कंप्लेंट दर्ज कराती है, लड़की के वालिद भी जाके कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। अब तक ये केस, रेप का केस अदालत में चलता रहा, फिर आखिरकार इसकी सुनवाई हो जाती है, एक जजमेंट आ जाता है कि कुलदीप सैगर ही ने इस लड़की का रेप किया था।
फिर कोर्ट उन्हें उम्र कैद की सजा दे देती है। आखिरकार फिर कोर्ट ने यह भी बात को मान लिया कि कुलदीप सहगर ही ने इस लड़की के वालिद का रोड एक्सीडेंट में कत्ल करवा दिया था। पहले से ही उम्र कैद काट रहे थे, फिर उसके बाद कोर्ट ने यह भी मान लिया कि कुलदीप सहगर ही ने इस लड़की के वालिद का कत्ल करवाया था रोड एक्सीडेंट में। तो आइए और एक रुख लेते हैं हमारे आम आदमी पार्टी के कॉरपोरेटर ताहिर हुसैन की तरफ। ताहिर हुसैन पर इस तरह का इल्जाम आयद किया गया कि एसबी एम्प्लॉई अंकित शर्मा का कत्ल ताहिर हुसैन ने किया। इस तरह का इल्जाम आयद किया गया ताहिर हुसैन के ऊपर, लेकिन ताहिर हुसैन फिलहाल फरारी में है क्योंकि जब तक वो अपने एडवोकेट को लेकर इस केस की तह तक नहीं पहुंचते शायद वो फरारी में ही रहेंगे। पता नहीं किस बात से डरकर ताहिर हुसैन भाग रहे हैं। तो ये थी दिल्ली को लेकर हमारे कुछ खास खबरें। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।